लोन की गारंटी देना महंगा पड़ा गारंटर को, ऋणी ने नहीं चुकाया तो गारंटर से वसूला बकाया। भरे बाजार में गारंटर की दुकान पर हुई कुर्की की कार्यवाही, 50,000 रुपए का सामान हुआ कुर्क। कुर्की की कार्यवाही से ऋण लेकर जमा नहीं करने वाले खौफजदा। उज्जैन जिले के महितपुर में वाहन ऋण पर गारंटी देना और उसकी राशि को समय सीमा में जमा न करवाना गारंटर को भारी पड़ गया है। मामले की जानकारी देते हुए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रीजनल लीगल हेड नीरज नामदेव ने बताया कि कंपनी द्वारा मोहन सिंह को ट्रक पर ऋण दिया गया था, जिसमें सुनील द्वारा गारंटी दी गई थी। ऋण लेने के बाद से ही मोहन सिंह ने नियमित किस्तों का भुगतान नहीं किया, जिस पर कंपनी द्वारा वाहन को अपने आधिपत्य में लेकर नीलामी में बेच दिया था और ऋण की बकाया राशि को जमा करने के लिए कई बार सूचना पत्र जारी किए और बकाया राशि जमा करने को कहा गया, लेकिन कोई राशि जमा न करने पर शाखा प्रबंधक हेम सिंह पवार द्वारा अधिवक्ता रवि दुबे के माध्यम से न्यायालय में वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा ऋणी और गारंटर को सूचना पत्र जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। न्यायालय में उपस्थित न होने पर माननीय न्यायालय ने कुर्की के आदेश दिए। उक्त निर्देशों पर गारंटर की न्यायालय परिसर के सामने बाजार में फोटो स्टूडियो की दुकान पर कुर्की की कार्यवाही की गई, जिसमें 2 कैमरे, प्रिंटर, कंप्यूटर, कुर्सी टेबल आदि सामान जिनकी कीमत 50,000 रुपये थी कुर्क कर दिया गया। संपत्ति कुर्क होने के बाद गारंटर द्वारा बकाया राशि जमा कराने की बात कलेक्शन हेड पंकज शर्मा से की। जब कुर्की की कार्यवाही चल रही थी तब वहां पर मौजूद लोगों की काफी भीड़ लग गई और कार्यवाही की चर्चा पूरे शहर में दिन भर चलती रही। कंपनी के रीजनल बिजनेस हेड अभिषेक कुमार ने कहा कि महितपुर में ट्रकों का सबसे बड़ा मार्केट है और सभी बैंक और फाइनेंस कंपनियों द्वारा यहां फाइनेंस किया जाता है। डिफाल्टर के गारंटर पर न्यायालय द्वारा आज की गई कुर्की की सख्त कार्यवाही से डिफाल्टरों में सख्त संदेह हो गया है कि यदि आपने ऋण लिया है और बकाया राशि जमा करना भी जरूरी है और गारंटर की भी उतनी ही जवाबदारी है जितनी की ऋण लेने वाले ऋणी की। ऋणी से बकाया राशि जमा कराएं, अन्यथा गारंटर से बकाया राशि वसूली की जाएगी।